सब लोगों की फर्स्ट टाइम राफ्टिंग है, ठीक है, मेरी भी है आप लोगों के साथ, ठीक है भैया। मैं आपका सबसे पहले मोस्ट वेलकम करता हूँ व्हाइट रिवर राफ्टिंग में। व्हाइट रिवर नंदा भी है, गंगा रिवर जो बैरी आपके सामने, ठीक है। आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका नाम है फुल चट्टी, ठीक है। आपका फिनिशिंग पॉइंट होगा लक्ष्मण झूला, ठीक है। यहाँ से चलते चलते आपके 8 से 9 रैपिड आएंगे, ठीक है। आपके साथ जो गाइड चल रहे हैं, एक राफ्ट में चलेगा आपके मंजीत और दूसरे में चलेंगे रॉबिनसन, ठीक है। ये आपका फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है, लेफ्ट एंड राइट है, ठीक है। ये 9 भागों में डिवाइडेड है, ठीक है। 4 साइड से 4 पोस्टियो 1 फ्लोर, ठीक है। सबसे पहले आपने देखना है इसमें बैठना कैसे, ठीक है। जो राइट में बैठेगा, ठीक है, जो लेफ्ट लेग आपका पीछे लॉक हो जाएगा, ठीक है। और जो राइट वाला आगे, ठीक है। ये फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड का पता कैसे चलता है, जो बोल लाइन होती है, बोल लाइन लटकी हुई फ्रंट साइड, ठीक है। आपने प्रॉपर आउट साइड चेंबर बैठना है, ठीक है। और लेफ्ट लेग आपका पीछे लॉक हो जाएगा, राइट आपका आगे, ठीक है। सेम लेगा लेफ्ट साइड, ठीक है। लेफ्ट लेग आगे लॉक हो जाएगा और राइट पीछे, ठीक है। क्रॉस ट्यूब के नीचे आपने हल्का सा ग्रिप बनाना है, ठीक है। सेम लेगा बैक साइड, एक पैर आपका पीछे लॉक हो जाएगा, एक पैर पीछे, ठीक है। तो गाइस ये आपका पैडल है, ठीक है। ये भी 3 भागों में डिवाइडेड है, फर्स्ट ही, सेकंड, सब थर्ड भी, ठीक है। इसे होल्ड कैसे करना आप लोगों ने, सब लोग कीजिए, सब लोग होल्ड कीजिए। इसे थंब डाउन, 4 फिंगर टॉप, होल्ड नियर द प्लेट, ठीक है। अंगूठा नीचे, 4 उंगलियां ऊपर एंड होल्ड नियर द प्लेट, ठीक है। ऐसे होल्ड करना है सब लोगों ने, ठीक है। रिवर में चलते चलते हमारे कुछ बेसिक कमान होती है। फर्स्ट कमान होती है ऑल फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में आपने क्या करना है, ये ब्लेड पार्ट होता है, एल्बो स्ट्रेट है आपका, टी पार्ट से आपका एल्बो स्ट्रेट है। ये ब्लेड पार्ट आपने पानी में डिप करना, बॉडी मूव के साथ आपने फ्रंट टू बैक कोऑर्डिनेट करना है, बॉडी को मूव करना है, पानी को ड्रॉप करना आगे से पीछे, ठीक है, एक साथ। सेकंड कमान होगा स्टॉप। स्टॉप में आपने क्या करना है, ये थाई को ऊपर रखना है, इसे कहते हैं सेफ्टी लाइफ लाइन, ठीक है। पैडल आपका ऐसे लॉक हो जाएगा स्टॉप के पोजीशन में, ठीक है। आप लोग अगर ऐसे टी पार से छोड़ देते हो, वेव्स आती है आपको झटका देती है और दूसरे को हिट कर देती है, दूसरे को चोट लग जाती है, ठीक है। अगर आप इसे पानी में छोड़ देते हो, आपको नीचे गिरा सकता है, ठीक है। तो आप लोगों ने प्रॉपर ऐसे लॉक करना है पैडल को। थर्ड कमान होगा ऑल बैक। ऑल बैक में क्या करना है, फ्रंट का अपोजिट, बैक टू फ्रंट, थाई का सपोर्ट लेना है और बैक टू फ्रंट, पीछे से आगे की ओर खींचना है, ठीक है। यस, लास्ट में इमरजेंसी कमान दूंगा, मुझे लगता है कि हमारा राफ्ट रॉन्ग साइड जा रही है, या फिर आप में से कोई चांसेस होते हैं आप गिरने वाले हो, ठीक है। मैं आपको इमरजेंसी कमान दूंगा, एवरीबॉडी गेट डाउन। तो आपने लाइफ लाइन को होल्ड करना है, स्टॉप के पोजीशन में आ जाना और हल्का सा अंदर आ जाना, ठीक है। और गेट बैक बोलूँगा, क्विकली अपनी पोजीशन में बैठ जाना, ठीक है। अगर आप झटके से आप अंदर गिर जाते हो तो आपने क्विकली अपनी पोजीशन में बैठ जाना है, और सच में जितना बाहर बैठोगे उतना अच्छा रोइंग करोगे, ठीक है। इनकेस आप लोग में से अगर पानी में गिर जाता है तो आप लोगों को पैनिक नहीं होना, ठीक है। आपके पास जैकेट, हेलमेट, पैडल है, ठीक है। जैकेट आपको 72 आवर्स तक फ्लोट करते हैं ऊपर, ठीक है, इतना तो ऊपर रखते हैं पानी का। हेलमेट आपके सर की सेफ्टी करता है, पैडल आप जैसे आप पानी में जाते हो पत्थर की ओर जा रहे हो, ठीक है। रॉक्स आप इसे पुश कर सकते हो, आप पानी के फ्लो में फिर से वापस आ सकते हो, ठीक है। तो आपके जब आप पानी में गिर जाते हो तो आपने कुछ नहीं करना है, ठीक है। स्विमिंग पोजीशन में लेट जाना है, ठीक है। लेग आपके डाउन स्ट्रीम रहेंगे, हेड आप स्ट्रीम रहेगा और माउथ स्काई की ओर, पैडल आपने छोड़ना नहीं है। इनकेस अगर छूट जाता है आपको पैनिक होनी जरूरत है, आपने जैकेट शोल्डर पकड़ने पानी में लेट जाना है। कोशिश करनी है कि राफ्ट की साइड देखने की, ठीक है। इसे लाइफ लाइन को होल्ड करने की कोशिश करनी है, दूर चल जाते हो आपको पैनिक नहीं होना, ठीक है। आपके साथ पैडल रहेगा, जो राफ्ट में बैठा रहेगा वो पैडल पास कराएगा, ठीक है। इसे कहते हैं टी रेस्क्यू, पास कराइए मेरे को पैडल। जो राफ्ट में रहेगा आपको पैडल पास कराएगा, आपने भी देखना है, ठीक है। और पैडल पास करा के आप जल्दी रेस्क्यू जाते हो। इनकेस अगर आप ज़्यादा दूर चल जाते हो आपको पैनिक नहीं होना, हमारे पास होता है रो पैडल, ठीक है। इसे कहते हैं थ्रो बैग या रेस्क्यू बैग कह सकते हैं इसे, ठीक है। मैं आपको इसे थ्रो करूँगा, ठीक है। मैं आपका नाम नहीं जानता, मैं कहूँगा आपको हेलो गाइस, हेलो सिमर करके आपको आवाज़ दूंगा, ठीक है। आपको इसे थ्रो करूँगा, आपने इसे होल्ड कैसे करना है, ठीक है। आप लोगों में से ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि आप ही के पास जाके गिरे, आप लोगों ने हल्का पुल्का स्विमिंग करना है, ठीक है। और उसको पकड़ने की कोशिश करना है। आप इसे होल्ड कैसे करेंगे, प्रॉपर इसका माउथ क्लोज कर देंगे, ठीक है। और स्विमिंग पोजीशन में लेट जाएंगे, जैसे आपको बताया गया, लेग डाउन स्ट्रीम, हेड अप स्ट्रीम और माउथ स्ट्राइक को, ठीक है। माउथ आपने क्लोज करना है पानी में, अगर आप माउथ खुला रखोगे पानी पीते जाओगे, ठीक है। और हो सकता है कि मछलियाँ भी अंदर जा सकती है, ठीक है। तो आप लोगों ने ऐसे पीछे से नहीं पकड़ना, अगर आप इसे पीछे से पकड़ोगे ये खुलता जाएगा, आप दूर चलते जाओगे, ठीक है। तो आप लोगों को किसी को मेडिकली प्रॉब्लम तो नहीं है, ऑल फिट है, किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है कुछ क्या भैया, असल में हार्ट, ठीक है। तो आप लोग भैया एक रात में 9 लोग बैठेंगे, ठीक है। 9 लोग एक में बैठेंगे, 9 लोग उसमें, आप डिवाइड हो सकते हो, ठीक है। आप लोगों को जैसा लगता है वैसे बैठ सकते हैं भैया। मैं आपको जैसे रैपिड है ना, जैसे जितना अप एंड डाउन हो रहा है व्हाइट वाटर पार्क में, ठीक है, तो उसमें जैसे आपकी वीडियो बनती है, ठीक है। गाइड आपका, आप लोग वीडियो नहीं बना सकते हो, फ्लैट सेक्शन में आपको मोबाइल दिया जा सकता है पर आपके रैपिड में नहीं बना सकते, आप लोगों को रोइंग करना पड़ता है, गाइड को भी फिर से चलाना पड़ता है, ठीक है। चलिए गेट रेडी, चलिए। इसे कुछ पूछना है भैया, चलिए।